हमारे नए गली न्यूज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों इंतहा हो गई इंतजार की, नौरा शेख आज नहीं आए बाहर, बायकला झील के पास खड़े बहुत सारे लोग आए हुए हैं नौरा शेख का वेलकम करने के लिए। पूना एसोसिएशन के लोग आए, सौरव पौने साहब आए, मिश्रा जी आए हुए, नवेद भाई आए हुए, बात करते हैं। क्या नवेद भाई, क्या अभी रिपोर्ट है अभी तक की? अभी तक जो कोर्ट की जो फॉर्मेलिटीज थे वो पूरे नहीं हुए, इस वजह से आज का दिन मुकर्रर था वैसा, पर उसके जब तक ये कोर्ट के जो बोलना था, कोर्ट में जो पेश करना था, वो ज़रा लेट होने की वजह से आज का दिन टल गया है। जी कभी आए आप? हम लोग दोपहर में ही आए हुए हैं, आज ऐसा उम्मीद थी कि आज वो रिलीज़ होंगी, बट एक्चुअली जिन्होंने ज़ामीन दिए हैं सलीम भाई, उनके थोड़ा सा आने में लेट हो रहा है, तो इंशाल्लाह ताला वो जैसे ही आएंगे आप रिलीज़ हो जाएंगे, पूरी उम्मीद है। ऑर्डर पे कुछ बोलेंगे? ऑर्डर पे मैडम तो वही अभी इंतज़ार उन्हीं की कर रहे थे, हम लोग बाहर निकल के कुछ, लेकिन एज शी हैज़ प्रॉमिस शी विल फॉर्म, शी विल कॉल फॉर एन AGM, तो उस वक्त इंशाल्लाह सभी इन्वेस्टर्स के बारे में वो ज़रूर बताएगी, उसी उम्मीद की। बात बताइए, जो नॉन कंप्लेनर है वो अभी थोड़ा सा इंतज़ार में है कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? अभी वो जैसे ही बाहर आएंगी AGM बुलाएंगी, सारे इन्वेस्टर्स भी होंगे उसके अंदर, आपको पूना एसोसिएशन भी होगी। कैसे होगा AGM एक साथ इतने सारे इन्वेस्टर एक जगह पे, क्या अलग अलग जगह होगा, कैसे? आप लोग ने प्लान बनाया कि हम लोग ऐसा करेंगे? हम लोगों ने सोचे है उसके बारे में, जैसे ही अभी आज तो उम्मीद थी कि वो आएंगे तो हम लोग पूछ लेते हैं उनको कि कब है AGM और कब आना है, अभी वो जब बाहर आएंगी तभी पता चलेगा कि कब AGM रख रहे हैं, मगर उनका वादा है तो हमको पूरा यकीन है कि वो अपने वादे के हिसाब से पूरा करेंगी। जैसे ही वो बुलाएंगी हम जाएंगे और देखेंगे कि उनका प्लान किस तरह से है, और हमको उम्मीद है कि जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बोले हैं और इतने 2 साल से जो एसोसिएशन को बोलते हुए आए हैं कि मैं किसी भी इन्वेस्टर का पैसा नहीं रखूंगी, और ताज्जुब की बात तो ये है भाई कि सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट आने के बाद में बहुत सारे लोग इस बिज़नेस के साथ में कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, जो हमारे एसोसिएशन के साथ में जुड़े हुए लोग हैं वो लोग हमको फ़ोन करके सामने से बोल रहे हैं कि मैडम हमको जो है इस बिज़नेस के साथ में कंटिन्यू करना है, हमको अभी विड्रॉल नहीं करना है। तो अब देखते हैं मैडम का प्लान किस तरह से है, अकॉर्डिंगली जिसको विड्रॉल चाहिए उसको विड्रॉल, और जिसको बिज़नेस के साथ में कंटिन्यू करना है उसके साथ में इंशाल्लाह ताला बिज़नेस कंटिन्यू करेंगे। सऊद पौने जी से बात करते हैं, सऊद भाई क्या कहना है आपका? कभी आए नहीं बॉम्बे से? नहीं मैं तो बॉम्बे से हूँ, ये हमारे सारे बॉम्बे से। मैं भी हूँ, कभी आया हुआ? मैं तकरीबन 4 बजे से यहाँ पे आया हुआ हूँ, और हमें पूरी उम्मीद थी आज उनके रिलीज़ होने की, लेकिन फॉर्मेलिटीज़ की वजह से नहीं हो पाई, इंशाल्लाह कल सुबह तक की हमें पूरी पूरी उम्मीद है उनके रिहा होने की, और हम यही उम्मीद करते हैं कि जितने भी लोग तकलीफ़ में हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द उनकी तकलीफ़ों का सॉल्यूशन निकलेगा, उनके मसाइल हल हो जाएंगे। ऑर्डर पढ़ा आपने? हाँ ऑर्डर मैंने पढ़ा है। आपको क्या इंटरप्रिटेशन? अब नहीं, अभी हम फिलहाल कुछ कहना नहीं चाहते इस मसले के ऊपर, बस मैं इतना ही कहूँगा कि हमें और हमारी एसोसिएशन को और हमारी एसोसिएशन के जुड़े हुए तमाम लोगों को हमें पूरा पूरा भरोसा है, और हम यही चाहते हैं कि आगे ये कंपनी रन करे और लोगों को उनका हक का पैसा मिले, लोग इस कंपनी से जुड़े रहे, यही हमारा मकसद है। और एसोसिएशन का मकसद ये है कि सबको उनके हक का पैसा मिले। आप भी एसोसिएशन में हो? हाँ मैं एसोसिएशन में हूँ, मैंने रिज़ाइन किया था, मैं एक्शन कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ। बुरा मत मानना, ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पूना एसोसिएशन मौका परस्त है। नहीं नहीं नहीं, मतलब समझ रहे क्यों बोल रहे हैं, मतलब क्यों? पूना एसोसिएशन ने कंपनी का शुरू से साथ दिया है, ठीक है, कई मामले बीच में आप लोग जरा थोड़ा हाइट पे थे, फिर बाद में आप लोग थोड़ा बैक हो गए, फिर हो गए, फिर आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ मैंने एक बार रिज़ाइन किया था, मैंने अपना रिज़ाइन विड्रॉ किया, ठीक है, कुछ गलत फहमियाँ हो गई थी, लेकिन पूना एसोसिएशन Day 1 से कंपनी के सपोर्ट में, और पूना एसोसिएशन की वजह से ही पूना में, सातारा में और कोकन बेल्ट में FIRs रुके, पूना एसोसिएशन की वजह से ही कई हजारों लोग, देखिए इंडिविजुअल ने जो किया हम उसका इनकार नहीं कर रहे, मगर असल जो कसीर तादाद जो कंपनी के सपोर्ट में आई वो यही देख कर आई कि एक तंजीम, एक एसोसिएशन नौरा शेख आपा के साथ खड़ी है। क्या बोलना चाहते हैं मिश्रा जी? मिश्रा जी एक ऐसा सब में परसेप्शन है कि मौका परस्त है पूना एसोसिएशन, एग्ज़ाम है पूना एसोसिएशन के ऊपर, अगर आप देखेंगे कि एसोसिएशन का जो हमने एसोसिएशन जो हमने इस्टेब्लिश किए थे तभी हमने क्या हमारा
बात थी कि कंपनी को नुकसान पहुंचाए बगैर इन्वेस्टर्स लोगों का पैसा दिलाना, यही हमारा मकसद था, डे वन से था और आज दिन तक का भी है। तो इसमें कंपनी को नुकसान पहुंचाए बगैर का क्या मतलब है कि वो बिज़नेस बंद नहीं हो। जैसा अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि कुछ लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं सलीम भाई जिनकी ज़िंदगियाँ इस पर चल रही थी, और बहुत सारे मतलब जो लोग कमा नहीं सकते हैं, बहुत सारी बेवाएँ हैं, बहुत सारे अपाहिज लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट इसके अंदर लगाए थे और उनको बाकायदा उनसे प्रॉफिट आ रहा था और उनका घर उसमें से चल रहा था। तो स्पेशली ऐसे लोगों की रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा थी। पैसा जमा करने का भी आरोप आप लोग पर लगा था कि बहुत सब इंडिविजुअल लोगों से कुछ फॉर्म के पैसे? नहीं, एक्चुअली वो दैट इज़ वन टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ी। सलीम भाई आप भी जानते हैं, कोई भी मैं एग्जाम लगा रहा हूँ आपको क्लियर बता, नहीं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब बनती है तो उसका रजिस्ट्रेशन फ़ी तो होती ही है, तो दैट इज़ वन टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ी। कितने मेंबर्स जमा हुए वो तो अभी हम लोग डिक्लेयर नहीं करेंगे, जिस दिन नोएरा शेख बाहर आएंगे उस दिन हम लोग उसको डिक्लेयर करेंगे, दैट इज़ अन सीक्रेट। और इनकी तादाद देखिए, दूसरे लोग भी ज्वाइन हो सकते हैं ना? नहीं, ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, अभी ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद में बहुत सारे लोगों का फोन आ रहे हैं। छुपा के कोई वो नहीं ना बोल सकते, हमारे में इतने जो मेंबर्स है वो हम बताएंगे डिक्लेयर करेंगे, उसका बाकायदा ऑडिट है हमारे पास में, छुपाने वाली बात नहीं है, बट कुछ रीज़न की वजह से हमने इसको सीक्रेट रखे हैं, एक दिन डिक्लेयर करेंगे, जैसे ही हम ये एजीएम होगा उस दिन हम लोग डिक्लेयर करेंगे कि हमारे पास कितने मेंबर्स हैं और हम कितने मेंबर्स हैं। अलग अलग जगह भी हो सकती है क्योंकि एक साथ सब एक जन कैसे आएंगे, 1,72,000 इन्वेस्टर्स को एक जगह जमा करना भी मुश्किल है, हो सकता है अलग अलग जगह। आप ऑर्डर से खुश हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं। क्या खुशी है उस ऑर्डर में? उस ऑर्डर में देखो जो कंप्लेंट किए थे उनके हिसाब से भी ऑर्डर आएगा, 6 वीक के अंदर उनको कंप्लेनर का अमाउंट सेटल करना है। अब ये सेटलमेंट के अंदर हम भी बहुत सारे जितना हमारा इल्म है कोर्ट के बारे में जानते हैं, कचहरियों के बारे में जानते हैं, अभी हम यहाँ पे इस वक्त में जब आज खुशी का मौका है तो हम ये सब बातें नहीं करना चाहते हैं। आज हम यहाँ पे आए थे मुबारकबाद देने के लिए, क्योंकि डॉक्टर नोएरा शेख ने इतने 2 साल में, मैं उनको जितनी बार भी मिली हूँ, कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैं कंप्लेनर का पैसा नहीं दूंगी। उन्होंने हमेशा से यही कहा कि मैं कंप्लेनर का भी पैसा दूंगी, मगर कंप्लेनर कोर्ट से ले ली। वो तो पहले भी जब अरेस्ट नहीं हुए थे, जब केस नहीं हुआ, तभी भी यही कह रहे थे कि मैं कोर्ट से पैसा है ना, हम इस बात से मुतमईन हैं कि जैसा वो कंप्लेनर का पैसा दे रहे हैं वैसे वो इन्वेस्टर का भी पैसा देंगे इंशाल्लाह। और कोर्ट ने भी वही जजमेंट दिया है ना कि इन्वेस्टर का पैसा मिलेगा, कंप्लेनेंट का भी मिलेगा और इन्वेस्टर का भी। कोर्ट ने ऐसा नहीं बोला, ऐसा बोला है कोर्ट ने, कोर्ट ने बोला है, कोर्ट ने ये बोला है कि 6 हफ्ते में जो है कंप्लेनेंट को पैसा देने का, बाद में नोएरा शेख जो है मीटिंग करे और उसके बाद ये कोर्ट का जो पहले इसका इससे पहले जो ऑर्डर 5 तारीख को दिए थे उसमें उन्होंने कंसीडर किया था। अभी 5 तारीख का ऑर्डर नहीं पकड़ा जाएगा, अभी करंट ऑर्डर पकड़ा जाएगा। 5 तारीख को कोर्ट ने क्या भी बोला है, अभी जो करंट कल ऑर्डर आया उसको देखा जाएगा। उसने उनको इंडिपेंडेंट ये दिया है कि शी विल डिसाइड अबाउट द इन्वेस्टर्स मनी, शी विल डिसाइड, कोर्ट ने नहीं बोला कि आप पैसे दो, नहीं शी विल डिसाइड ना, तो इट्स अ डायरेक्शन बाय द कोर्ट that she will decide, वो तो है डेफिनेटली ना, दिस इज नॉट इंडिपेंडेंट डिसीजन नोएरा शेख वुड टेक, इट इज़ अ डायरेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, ये तो डिफरेंटली लिखा है उसमें। एक थोड़ा सा जब कोर्ट में इस चीज़ के बारे में नॉन कंप्लेनेंट के बारे में सोचा गया है तो इसका मतलब ही वो पैसा भी देंगे ना। कहाँ सोचा गया, क्या सोचा गया? जब कोर्ट में ये डिसाइड हुआ कि कंप्लेनेंट को कैसे पैसे दोगे और नॉन कंप्लेनेंट को कैसे दोगे, तो जो अंडरटेकिंग दो उसी बेसिस पर मांगी है ना, और वही नोएरा शेख ने अंडरटेकिंग दी है ना। ये जो एसोसिएशन खड़ी हुई ना, ये इसी बुनियाद पे खड़ी हुई कि वो एक मोमिना है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट इसके अंदर है और मैं काफ़ी सालों से इससे मुनाफा कमा रही थी, और क्या चीज़ों की वजह से वो प्रॉफिट आना बंद हो गया इसका स्टडी हमको था। कितने मेंबर्स है पूना एसोसिएशन में आप लोग, ये कमेटी के कितने मेंबर? कमेटी के अल्हम्दुलिल्लाह 20 मेंबर्स हैं हम लोग। तो क्या ये 20 इन्वेस्टर हैं? हाँ यस 20। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग नोएरा शेख से विड्रॉल मांगेंगे कि अपने जो भी पैसे एक्स वाई जेड अमाउंट है वो उनको कंपनी रन करने के लिए देंगे? इंशाल्लाह जब वक्त आएगा। तो बना लिया होगा ना कि क्या करना है? अभी हमारा बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो हम उस हिसाब से सोचेंगे, हम तो चाहते हैं कि बिजनेस चले, तो सोचने का वक्त है बिजनेस चले, और हम चाहते हैं कि आप लोग ऐसा तो नहीं कि कल को मिसबा जी ने भी अपना विड्रॉल डाल दिया, नवेद भाई ने भी अपना विड्रॉल? नहीं, मेरा कहना ऐसा है कि हालात को देखेंगे,
आपा भी क्या अभी आने के बाद बाहर स्टेटमेंट देंगे, बोलेंगे मैं दे रही हूँ। हाँ तो फिर उस वक्त वो सोचेंगे, उस वक्त सोचा जाएगा ना कितना रखना है कितना चलाना है, क्योंकि दो साल में लोगों की थोड़ी सी हालत भी कमज़ोर हो गई ना। जो पैसा चाहेंगे कि हाफ अमाउंट रखें हाफ अमाउंट विड्रॉल करें, सारे ऑप्शंस खुले हैं ना, जिसकी जैसी सिचुएशन है उस हिसाब से वो इन्वेस्टर को पूरा हक है कि अपना। यानी आप लोग ने अभी तो डिसाइड नहीं किया कि आप लोग नौरा को, नौरा शेख को सपोर्ट करेंगे या के उनके साथ जो है ये बिजनेस चलाने के लिए, तो हम डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे, अपना इन्वेस्टमेंट वापस ही मांगे। हम चाहते हैं कि ये बिजनेस चले और लोगों का इससे फायदा हो और ज्यादा से ज्यादा लोग। बिजनेस कैसे चलेगा, सबके सब आके बोलेंगे हमारे पैसे दो, तो बिजनेस कैसे चलेगा? इसी वक्त वही तो बोल रहे हैं हम कि लोग इत्मीनान रखें। देखो तो ऐसे चाहिए ना जो ये बोलेंगे कि चलो अभी थोड़ा आपको वक्त देते हैं आप चलाइए, फिर ये कुछ तो इंशाल्लाह हम उन्हीं में से है जो हम ये बताएंगे कि हमारा पैसा रहने दो और हम जब तक कंपनी की सिचुएशन। वी वुड लाइक टू सपोर्ट नोएरा शेख, थोड़ा मास्क ही नहीं करेक्ट, लेटर कम आउट, लेटर कॉल फॉर एन एजीएम, लेटर एड्रेस द इन्वेस्टर्स के हाउ शी वुड लाइक टू रन द बिजनेस, डिपेंड ऑन द हर कंफर्मेशन विल वी वुड डेफिनेटली सपोर्ट हर टू कंटिन्यू द बिजनेस। अभी आज आप लोग यही रुकेंगे? नहीं नहीं अभी पुणे हम जा रहे हैं, हमारी तरफ से कल आप मुबारकबाद देना, वैसे भी मुलाकात होती ही रहेगी। मुबारकबाद देने के लिए हम सवाल करने के लिए आए, मुबारकबाद तो दे देंगे, साथ में थे दुड़ाई साहब। हाँ फिर हम सब दीनी भाई बहन हैं तो जाहिर सी बात है मुबारकबाद तो देना हक बनता है भाई, आपकी तरफ से भी दे देंगे, हमारी तरफ से भी दे देना, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। स्टेशन की जानिब से आपा की खिदमत में उनकी रिहाई के लिए मुबारकबाद पेश कीजिए ऑन आवर बिहाफ। तुम लोग, हम लोग यहाँ आए हुए थे लेकिन इत्तेफाक से बाहर ही नहीं है, क्या कर सकते हैं हम। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात, इंशाल्लाह कल सही, कल तो आज सही बॉम्बे के हमारे, ठीक है। तो दोस्तों ये थे पुणे एसोसिएशन, कुछ इल्ज़ामों का दौर था, कुछ बातें थी और इसलिए बात करते हैं।